अतीक अहमद तो नहीं रहा, लेकिन उसकी दादागिरी और रंगदारी वसूली की कहानी खत्म नहीं हो रही है। उसकी मौत के बाद अब खौफ कम हुआ है तो सबूतों का अंबार लगने लगा है। आज तक को अतीक का एक ऐसा ऑडियो मिला है जिसमें वो एक नेता को धमका रहा है। ऑडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब वो साबरमती जेल में बंद था। अपनी गुंडागर्दी पर बेहिसाब गुरूर था माफिया अतीक अहमद को। गोली बारूद वाले अपने गुंडों पर बहुत गुमान था अतीक को, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब उसी अतीक के आतंक की सच्चाई सामने आ रही है। अपनी गुंडागर्दी से उसने आतंक मचा रखा था। अतीक अहमद ने अपने विरोधियों को नहीं छोड़ा, करीबियों को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, दूसरे माफियाओं को नहीं छोड़ा, सियासतदानों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा था अतीक और ऐसा था उसका आतंक। अब तो देगा मुझको कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच तेरी। अब मैं तुझको, अब तो मैं तुझसे बताऊंगा तेरे गुंडे ही कहां होते। अतीक राइफल की गोलियों की तरह गालियां भी दे रहा है। आज तक वैसे इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आवाज अतीक की है और फोन के दूसरी ओर एक राजनीतिक दल का नेता है। आपने अतीक अहमद के ऑडियो का सिर्फ एक हिस्सा भर सुना, अब आपको वो हिस्सा सुनाते हैं जो थोड़ा बहुत सुनने लायक है। अतीक इस ऑडियो में साफ साफ 10 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। अरे भाई, मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? अबे तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे ऐसे जो है हम लोग के खिलाफ जाकर उखाड़ेंगे बे। अरे कभी कुछ भी नहीं। अबे बम्बई में अब तुझसे लिया करूंगा जमरिया गुंडे से पैसा, समझे? भाई बम्बई में तुमको जो है फीस के इतना मारा जाएगा, क्या कहूँ भाई। कहा जा रहा है कि जाओ, बड़का नेता है, कहा जा रहा है जाओ। आओ तुम आओ। आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। इसमें गाली आप कह देते भाई। अतीक अहमद आसिफ नाम के नेता को खुलेआम धमकी दे रहा है। अब शब तो इतने की पूरा ऑडियो सुनाया भी नहीं जा सकता है। साबरमती जेल की चार दीवारी में होने के बाद अतीक को अंजाम की परवाह नहीं थी। बताया जा रहा है कि अतीक का ये ऑडियो करीब साल भर पुराना है। अतीक के इस कॉल से समझा जा सकता है कि कैसे वो लोगों को डराता धमकाता था, किसी की जमीन कब्जा करता था, किसी से करोड़ों की रंगदारी वसूलता था। ऐसा करके इस माफिया डॉन ने अरबों की अकूत संपत्ति बनाई। सिर्फ यूपी ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी अतीक का काला साम्राज्य फैला था और रत्ती भर भी उसे कानून का खौफ नहीं था। आपसे बाहुबली की परिभाषा पूछना चाहते हैं, आप जानते हो बाहुबली की डिफिनेशन क्या है? आप बताओ, नहीं आप आज हमको बताओ बाहुबली की डिफिनेशन बताइए भाई। यहाँ के जो बड़े माफिया कहलाते हैं या जो दबंग लोग होते हैं या जो भू माफिया होते हैं, ये सब बाहुबली जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, असलाहे रखते हैं, असलाहे का इस्तेमाल। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो ईश्वर को भी कहा जाता है। अतीक का आतंक स्टाइल था, जेल में रहते हुए उस पर लगाम नहीं लग सकी। 15 अप्रैल को हत्या से पहले तक उसका अंदाज नहीं बदला। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद से उसकी अकड़ कम जरूर हुई थी, पर कभी खत्म नहीं दिखी। अतीक के पीड़ितों में कई लोग थे, कुछ उनमें से अतीक के खासम खास भी। उन्हीं में से एक है लखनऊ का बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम। साबरमती जेल से ही अतीक ने बिल्डर को धमकी भरे मैसेज किए थे। लिखा था, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरे बेटे से ईडी ईडी कर रहे हो। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया, बेहतर ये है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, आपने अपनी किस्मत और अकल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दे तो वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा। ये अतीत की धमकी का आखिरी मैसेज नहीं था। उसने जेल से बिल्डर को कुछ और मैसेज भी भेजे थे। उसने कहा था, कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, इंशाल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ, बेहतर है हमसे आके मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल।
अतीक को पता था कि जेल में होने की वजह से लोगों में उसका खौफ कम हो रहा है। शायद इसीलिए वो अपने बेटों का खौफ भी दिखाता था। उसने मोहम्मद मुस्लिम को भेजे धमकी वाले मैसेज में लिखा था, मेरा कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा और ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक अहमद, साबरमती जेल। बाद में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम अतीक के गैंग में शामिल हो गया, लेकिन उस बिल्डर की क्राइम फाइल भी पुलिस की टेबल पर है। अब अतीक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके आतंक की कहानियां खत्म होती नहीं दिख रही है। अरविंद ओझा, प्रयागराज आज तक।